इंक फेंकी, जिस प्रकार से उसने वहां पर नारेबाजी करी, पूरे के पूरे गांव को एक किले में तब्दील किया हुआ है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पर, लेकिन ये आरोपी कैसे घुस जाता है। लेकिन उस फोटो, ये फोटो पूर्ण रूप से बताती है, ये प्रशांत कुमार जी है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इनके साथ ये आरोपी खड़ा दिखता है। ना सिर्फ ये आरोपी इनके साथ खड़ा हुआ, बल्कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस आरोपी की तस्वीरें हमें मिली। तो इससे बिल्कुल साफ है कि जो योगी सरकार है वो जो है आरोपियों को बचाने का काम कर रही है और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। अगर साथ कल यूपी की पुलिस के मौजूदगी में हमला होता है, बेहद दुखद है। पता चला कि किस प्रकार से योगी जी और उनकी सरकार मिलकर दोषियों को बचा रही है। सरकार ना सिर्फ दोषियों को बचाने का काम कर रही है जो इस संगीन अपराध में लिप्त है, बल्कि पूरा का पूरा एक जातिवाद हमें वहां पर देखने को मिला, पूरा ठाकुरवाद देखने को मिला। क्योंकि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस जाति से आते हैं, ठाकुर जाति से आते हैं, और पूरा लगातार आसपास के गांवों के अंदर ठाकुर समाज के लोगों की पंचायत हो रही है, धमकी दी जा रही है केस वापस लेने के लिए, कुछ भी ना कहने के लिए। कि आसपास के गांवों में और गांवों के भीतर ठाकुर समाज के लोग पीड़िता के खिलाफ और पीड़िता के परिवार को डराने धमकाने के लिए पंचायत कर रहे हैं। खुलेआम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, किस प्रकार से धमकी दी जा रही है। लेकिन जब एक चुने हुए लोग, चुना हुआ विपक्ष परिवार से मिलने के लिए जाता है, सिस्टम की और प्रशासन की सारी बातों को मानता है, तब उनके ऊपर हमला किया जाता है। यह हमला भी पूरा का पूरा सुनियोजित था। जिस प्रकार से दीपक मिश्रा नाम के आरोपी ने इंक फेंकी, जिस प्रकार से उसने वहां पर नारेबाजी करी, पूरे के पूरे गांव को एक किले में तब्दील किया हुआ है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पर, लेकिन ये आरोपी कैसे घुस जाता है। अगर विपक्ष को दबाने का काम नहीं कर रही है तो कोई भी विपक्ष वहां जाता है, किसी के ऊपर लाठी चार्ज होती है, किसी का सर फोड़ दिया जाता है। विपक्ष के लोगों के ऊपर 14-14 FIR जो बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं, पीड़िता के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर आप लोग 14-14 FIR करते हैं। और कल तो बिल्कुल ही अति हो गई। एक बेटी होने के नाते में परिवार के लोगों से मिलने गई, एक प्रतिनिधि होने के नाते में परिवार का दुख साझा करने गई, और खुद मेरे ऊपर ही पुलिस की कस्टडी में यह हमला होता है। बात मेरे ऊपर हमले की नहीं है, बात यह है कि उस पीड़िता को न्याय मिले। योगी जी हमारे ऊपर गोलियां चलवाएं, हमारे ऊपर इंक फेंकवाएं, हमारे ऊपर तमाम तरह की FIR करें, लेकिन हम लोग हाथ रस की गुड़िया के लिए न्याय लेकर रहेंगे। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि योगी सरकार और प्रशासन कहता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। ये विपक्ष झूठ बोल रहा है। अगर विपक्ष झूठ बोल रहा है तो अलीगढ़ का मेडिकल जो कॉलेज है, अलीगढ़ का जो अस्पताल है जिसके अंदर पीड़िता लगभग हफ्ते से 10 दिन तक रही, उसकी पहली प्राथमिक रिपोर्ट में पूर्ण रूप से ये साबित हुआ है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। ये रिपोर्ट विपक्ष ने नहीं बनाई, ये रिपोर्ट आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाई, ये अलीगढ़ यूपी सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल के डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई है। और ये रिपोर्ट 22 सितंबर की ये रिपोर्ट कहती है कि हाथरस की गुड़िया के साथ गैंगरेप हुआ था। दूसरी बात, लगातार विपक्ष के ऊपर तो आप लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, विपक्ष के ऊपर तो योगी की सरकार लाठी चार्ज करा रही है, लेकिन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं कर रही है। 3 दिन पहले कहा गया कि CBI को जांच सौंप दी गई है, लेकिन CBI ने अभी तक ऑफिशियली इस केस को टेक ओवर नहीं करा है। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। तो क्या कह देने भर से CBI की इंक्वायरी हो जाएगी?
मुंह के शब्दों से इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी के लिए आपको कागज पत्री तैयार करनी पड़ेगी, आदेश देने पड़ेंगे। जिस प्रकार से आप शासन प्रशासन को आदेश देते हैं कि रात के 2 बजे ही मृतक की जो है अंतिम जो है उसका संस्कार नहीं बल्कि सबूतों को नष्ट कर दिया जाए, परिवार को दिखाई ना जाए डेड बॉडी, ये प्रशासन की किस प्रकार से लापरवाही है, दलाई है। दलित विरोधी पूर्ण रूप से योगी सरकार घोषित हो गई, इसके प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को प्रमाण आए दिन मिल रहे हैं। क्योंकि जिस गांव के अंदर ये घटना घटी है वहां पर आए दिन ठाकुर समाज के लोग पीड़िता को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, और वही पीड़ित परिवार से जब उनके परिवार से माँ से बाप से उनके भाइयों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल मुझे ये बताया कि उन्हें अपनी जान की भी खतरा है और उनको जो है इस बात का भी खतरा है कि किस प्रकार से जो हमारी बेटी के साथ हुआ कहीं हमारे साथ वो सब दोहराया ना जाए और हमें कहीं मौत के घाट ना उतारा जाए। पूरा का पूरा जो दलित समाज है वो आज आक्रोश के अंदर है, आज वो गुस्से में है, क्योंकि योगी सरकार के शासन में जिस प्रकार से आए दिन दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों की बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा है, दलितों की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरा देश आज इस भाजपा से और इस योगी सरकार से नफरत करता है और पूरे देश का दलित आज आक्रोश के अंदर है। और मैं फिर इस बात को कहना चाहती हूँ कि योगी जी सिर्फ छोटे जो है अफसरों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेंगे, वो अफसर भी आपकी बात मान रहे थे, वो अधिकारी भी आपकी बात मान रहे थे, वो शासन और प्रशासन के लोग मिलकर आपने जो हुक्म दिया उसको निभा रहे थे, और हम लोग लगातार हाथरस की गुड़िया के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर एक ही बात कह रहे हैं कि योगी सरकार से, इस ढोंगी बाबा से, अजय कुमार बिष्ट से यूपी की सरकार नहीं संभल रही है, सत्ता नहीं संभल रही है। योगी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन तुरंत प्रभाव से लगाकर इस बेटी के परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इस केस को गैर भाजपा शासित प्रदेश के अंदर ट्रांसफर किया जाए ताकि हाथरस की गुड़िया को न्याय मिल सके और चारों आरोपियों को फांसी की सजा होने के साथ साथ दलित समाज की इस बेटी को न्याय मिल सके। सरकारें लगातार, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, लगातार जा रहे विपक्ष के ऊपर हाथापाई हो रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दलित समाज की हाथरस की इस गुड़िया के लिए न्याय चाहते हैं। आप जितने भी वार करना चाहते हैं, आपके द्वारा फेंकी गई हुई कालिक से एक बार फिर हम लोग इतिहास रचेंगे और एक बार फिर से जो आपने दलित समाज की बेटी के साथ किया है और दलितों के साथ जो आप लोग अन्याय कर रहे हैं, इसका जो है लोग तुरंत प्रभाव से जो है आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग जो है इसके खिलाफ यूं ही आवाज बुलंद करते रहेंगे और उस बिटिया के लिए न्याय यूं ही मांगते रहेंगे।